Assalamu alaikum. As in previous lecture, we talked about recursion and we have learned local variables and global variables and also the static variables in C++. So in this lecture, I am going to explain pointers. So first of all, we see that what is the agenda of today's lecture. In today's lecture, I will explain first of all what are the addresses, okay, in memory, and how can we access any address of any variable and how can we print that address. Then we will see about pointers, that what are the pointers and where we use the pointers. Then we see declaration, that how can we declare pointers in C++. We will see accessing values through pointers. We will learn pointers and arrays, that how can we assign the arrays or array variable to pointer. Then different methods that we can use to point the arrays elements or access the array elements. Okay, then I will explain different programs in depth so you can easily get the concept of pointers. First of all, hum dekhte hain ki hamare paas addresses kaise hote hain C++ mein aur hum kaise unko print kar sakte hain ya use kar sakte hain aur kya unka concept hota hai. Okay, so let's start. सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल नजर आ रही होगी. मैंने कोई थेरी इसमें एक्सप्लेन नहीं की हुई. हम एग्जाम्पल से ही देखते हैं कि एड्रेसेस होते क्या हैं. हमारे पास अगर एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरह का, जो कि मेमोरी में पड़ा हुआ होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेमोरी में वो किसी भी लोकेशन पर पड़ा हुआ होगा. जब हम बात करते हैं एरेज की या हम बात करते हैं सिंपल वेरिएबल्स की, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो बॉक्स है ये हमारी पूरी मेमोरी है जिसमें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, हमारे वेरिएबल्स स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है. सो आपको यहाँ पे जो फंक्शन नजर आ रहा है इंट मेन का, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है जी, तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं और उनको वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई हुई हैं. वेरिएबल वन में 3 हो गया, वेरिएबल टू में 24 हो गया और वेरिएबल थ्री में 17 हो गया, ठीक है. हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल वन पड़ा हुआ होगा वो कहीं पे भी मेमोरी में इधर पड़ा हुआ होगा. लेट सपोज के वेरिएबल टू मेमोरी में कहीं पे पड़ा हुआ होगा, ठीक है, एंड वेरिएबल थ्री पड़ा हुआ होगा कहीं भी मेमोरी में. अब जरूरी नहीं है कि इनके दरमियान में गैप भी हो, वो मेमोरी में कंजेक्टिव भी पड़े हुए हो सकते हैं. ये हमारा काम नहीं है कि हमने इसको कैसे सोचना है कि वेरिएबल्स कहाँ पे पड़े हुए होंगे या वेरिएबल्स सेपरेट भी पड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम बात करेंगे एरेज की, तो हमें पता है कि एरेज हमेशा कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे होती है. तो उसमें हमेशा जब भी हमने एज्यूम करना है अपने एलिमेंट्स को, तो हम यही कहेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुए हुए हैं, ठीक है. लेकिन अभी हम सिंपल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल्स कहीं भी मेमोरी में अपनी लोकेशन रिजर्व कर सकते हैं. ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया हुआ है जी, हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई हुई है जो कि प्रिंट करेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल वन. और अब आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास जो एम्परसेंट है जो के एंड का सिंबल है, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल नेम के साथ उसका एड्रेस देखने के लिए. ओके, हम सिंपली पहले क्या करते थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल नेम लिखते थे, बट अब हमने प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे एक एम्परसेंट सिंबल भी यूज कर लिया है. इससे होगा क्या कि वेरिएबल वन की मेमोरी में जो भी जो एड्रेस होगा वो आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा. ओके, सेकेंडली हमने क्या किया हुआ है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू प्रिंट करवाया है. उसी तरह से वेरिएबल टू से पहले हमने एंड का सिंबल यूज कर लिया, देन एड्रेस ऑफ वेरिएबल थ्री, सेम हमारे पास एंड का सिंबल वेरिएबल थ्री के साथ यूज हो रहा है. ओके, अब जब हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो ये हमारे पास प्रोग्राम की क्या है, आउटपुट है, ठीक है. इसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल वन स्टेटमेंट प्रिंट हुई और ये कोई भी हमारे पास एक्स वाई जी एड्रेस है जो कि एक्चुअली एड्रेस आएगा आपके पास प्रिंट होकर, ठीक है. यहाँ पे आपको जो जीरो क्रॉस नजर आ रहा है ना, ये हमें बताता है कि हमारा जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, ठीक है. एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू ये हो गया, एड्रेस ऑफ वेरिएबल थ्री ये हमारे पास प्रिंट होकर आ गया. ओके, जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली यही एड्रेसेस शो हो रहे हो, आपको कोई और एड्रेसेस भी शो कर हो सकते हैं, ठीक है. उनकी वैल्यूज थोड़ी सी डिफर भी हो सकती हैं, बट मेरे कंपाइलर में यही वैल्यूज आ रही हैं, तो मैंने इसकी आउटपुट यहाँ पे आपके सामने लिख दी.
ओके सो इसका मतलब है कि जब भी हम एम्परसेंट का सिंबल यूज करते हैं वेरिएबल के साथ, तो वो हमें मेमोरी का जो एक्चुअल एड्रेस है जहां पे ये वेरिएबल वन स्टोर हुआ हुआ है, जहां पे ये वेरिएबल टू स्टोर हुआ हुआ है, जहां पे हमारे पास ये वेरिएबल थ्री स्टोर हुआ हुआ है, उनके एड्रेसेस हमें शो हो गए कि आपकी जो वैल्यू थ्री है वो इस एड्रेस पे पड़ी हुई है, वैल्यू जो 24 है वो हमारे पास इस एड्रेस में पड़ी हुई है, एंड वैल्यू 17 है वो आपके पास थर्ड वेरिएबल थ्री के एड्रेस में पड़ी हुई होगी. ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास एड्रेसेस थे जो कि सी प्लस प्लस में इस तरह से हमें जो है आप प्रिंट करके देख सकते हैं कि कौन सा एड्रेस किस वेरिएबल को असाइन हुआ हुआ है. ओके, सो पॉइंटर्स क्या होते हैं? अ पॉइंटर इज जस्ट अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस. दैट मींस कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल है जो कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास इंट ए एक वेरिएबल है और उसमें मैंने स्टोर कर दिया है 10. ठीक है, दैट मींस कि अगर आपको यहाँ पे पिक्चर में जैसे नजर आ रहा है कि अगर आपके पास एड्रेसेस इस फॉर्म में हैं जो कि मैंने सपोज कर लिए हैं 100, 101, 102, 103 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास क्या होती हैं, ये एड्रेसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, किसको हम डील कर रहे हैं, डायरेक्टली रैंडम एक्सेस मेमोरी को डील कर रहे हैं. ठीक है, ये उसके एड्रेसेस हैं, और जैसे ही मैंने वैल्यू को स्टोर किया, दैट मीन्स कि हमारे पास वैल्यू जो ए इज इक्वल टू 10 है किसी एड्रेस पे, एक्स वाई जी एड्रेस पे पड़ी हुई होगी. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहाँ पे हमारे पास ए पड़ा हुआ है और उसमें वैल्यू जैसे ही मैंने 10 असाइन की तो ये हमारे पास 10 असाइन हो गया. ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हो गया मेमोरी के अंदर. सो जब हम पॉइंटर की बात करते हैं तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा होता है, मेमोरी का एड्रेस अपने पास स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉइंटर ले लेती हूँ इंटीजर टाइप का, और मैं कहती हूँ कि एक मेरे पास पीटीआर पॉइंटर है. अभी मैं उसके सिंटेक्स की बात नहीं कर रही, किस तरह से पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगी. सिंपली मैंने कहा कि मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया. ठीक है, अब इस पॉइंटर वेरिएबल में हमने क्या करना है, असाइन करना है ए का एड्रेस. ठीक है, अब देखिए पॉइंटर जब भी आपने यूज करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है. स्पेसिफिक सिंटेक्स में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इंट स्टार PTR. इसके डिफरेंट जो है मेथड्स हो सकते हैं, अभी सिंपली मैं आपको ये बता रही हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल से पहले एक स्टार यूज कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने करना ये है कि अपना जो ए वेरिएबल है उसका एड्रेस असाइन करना है इस पॉइंटर को. तो वो कैसे करेंगे, PTR इज इक्वल टू, हमने कहा था कि M% के थ्रू हम एड्रेस को टारगेट करते हैं, ए लगा दिया और ये टर्मिनेटर लगा दिया. दैट मींस कि जैसे ही आपने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया, उसको ए एड्रेस असाइन किया, अब होगा क्या, मेमोरी में कहीं पे भी पीटीआर पड़ा हुआ होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल वो पड़ा हुआ है यहाँ 104 एड्रेस पे. ठीक है, और उसके पास क्या स्टोर है, उसके पास स्टोर है ए का एड्रेस. ए का एड्रेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मेमोरी में क्या है, 100 है ना. तो दैट मींस कि यहाँ पे हमारे पास पीटीआर के पास जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वो ए की वैल्यू नहीं होगी बल्कि वेरिएबल ए का एड्रेस होगा. क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे असाइन किया है ए का एड्रेस. ठीक है, तो इसका मतलब है मेमोरी में हमारे पास क्या हो रहा होता है, बेसिकली जब भी कोई वेरिएबल हमने असाइन किया है अपने पॉइंटर को तो पॉइंटर ने उस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया हुआ होता है. ठीक है, उसकी वैल्यू को होल्ड नहीं किया हुआ होता. तो ये सिंपली हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं, इसको क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे. बट इस स्लाइड में हमने इतना ही देखा कि किस तरह से पॉइंटर्स वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है. ओके, सो हमने कहा कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं पॉइंटर्स को यूज करने के, डिक्लेयर करने के. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि डिक्लेरेशन में हमारे पास डिफरेंट जो है मेथड्स हैं, थ्री टाइप्स के मेथड्स हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहला मेथड है वो ये है कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप लिखी हुई है, इंटीजर टाइप का ही आपने पॉइंटर लेना है. ठीक है, स्टार जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया, ये आपके पॉइंटर वेरिएबल का नेम हो गया. नेम रखते हुए आपने उन्हीं रूल्स का ख्याल रखना है कि हमने जो है कोई भी जो डिजिट नहीं ले सकते, जैसे वेरिएबल के नेम में नहीं ले सकते, अंडरस्कोर आ सकता है और आपका जो है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नेम नहीं हो सकता. ठीक है, वेरिएबल्स के लिए जो रूल्स होते हैं वही पॉइंटर वेरिएबल्स के लिए आप रखेंगे. बट उससे पहले आपने क्या करना है, स्टार लगा देना है ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और ये हमेशा एड्रेस को
होल्ड करेगा, ठीक है। सेकंड मेथड जो हमारे पास मोस्टली यूज हो रहा होता है वो ये है, जो कि हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास ये होता है कि जैसे ही आपने डेटा टाइप लिखी, आपने स्टार लगाया, स्पेस, और आपने अपने वेरिएबल का नेम मेंशन कर दिया, ठीक है। ये भी हमारे पास हो सकता है, फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी। थर्ड हमारे पास जो मेथड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपके पास अगर आपने पॉइंट ऑफ वेरिएबल लेना है तो आप उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। इंट लिखा आपने, स्टार, आपने अपने पॉइंट ऑफ वेरिएबल को लिखा, अब उसके बाद जो आपको पी नजर आ रहा है वो पी आपके पास पॉइंटर टाइप का नहीं होगा, वो बल्कि वो पी सिंपल वेरिएबल होगा। जो आपके पास इसमें पॉइंटर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है, वो ये, ठीक है। जबकि पी जो आपने बाद में लिखा वो हमारे पास सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल कहलाएगा। दैट मींस कि आपको अगर यहाँ इस तरह का कोड नजर आता है या आप खुद से करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल पहले लिखेंगे, ठीक है, जिस और स्टार उसके लिए आपने लगाया हुआ है, और उसके बाद आपने क्या किया, सिंपल वेरिएबल लिख दिया जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जिसको आप सिंपल सिर्फ और सिर्फ आगे जाके वेरिएबल की तरह ही यूज कर सकते हैं, इसमें एड्रेस को स्टोर नहीं करवा सकते इस पी वेरिएबल में। ओके, सो ये डिफरेंट थ्री टाइप्स के हमारे पास मेथड्स हैं डिक्लेयर करने के, जिसमें से सेकंड वाला हम मोस्टली यूज करते हैं पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने के लिए। ओके, असाइनिंग एड्रेसेस टू पॉइंटर्स, किस तरह से हम एड्रेस को हैं असाइन करते हैं, ये हमने प्रीवियस जो मैंने स्टार्ट में स्लाइड एक्सप्लेन की उसमें भी बताया कि किस तरह से हमने एड्रेस को असाइन किया था, बट इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप का हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया, जैसे कि मैंने बताया थर्ड मेथड हम जो कि यूज कर सकते हैं उसमें हमारे पास क्या था कि सिंपल एक वेरिएबल उसके बाद हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस वेरिएबल में 5 असाइन कर दिया, ये पॉइंटर टाइप का नहीं है, ये सिंपल वेरिएबल है, ठीक है। एड्रेस हमने कैसे देना होता है, पहले भी मैंने बताया कि एम परसेंट सिंबल और एंड सिंबल आप यूज करते हैं एड्रेस के लिए, ठीक है। तो आपने वेरिएबल से पहले एम परसेंट यूज किया और उसको आपने असाइन कर दिया है किसमें, इस पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक हो गया। दैट मींस कि हमारे पास अभी जो पॉइंटर वेरिएबल होगा ये मेमोरी में कहीं पे भी पड़ा हुआ होगा, ठीक है। मेमोरी में हमारे पास इस तरह से अगर मेमोरी है तो पॉइंटर वेरिएबल कहीं पे पड़ा हुआ है और उसके पास क्या स्टोर हुआ हुआ होगा, इस वेरिएबल के पास स्टोर हुआ हुआ होगा पॉइंटर के पास 5 का एड्रेस, ठीक है। 5 का एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास है 5 का एड्रेस 104, ठीक है। दैट मींस कि मेमोरी में 104 कहीं पे पड़ा हुआ होगा और वहां पे हमारे पास वेरिएबल जो है उसकी उसका नेम var जो हमने रखा हुआ वो होगा और उसके अंदर हमारे पास स्टोर होगी वैल्यू 5, ठीक है। और इस ptr का जो कोई एड्रेस होगा, लेट सपोज के वो हमारे पास 101 होगा, ठीक है। इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस डिफरेंट होगा जबकि इस वेरिएबल का एड्रेस हमारे पास डिफरेंट होगा, ओके। और इसका एड्रेस हमारे पास स्टोर हुआ हुआ होगा किसके पास, पॉइंटर के पास एज अ वैल्यू, जबकि इसकी वैल्यू बिल्कुल सेपरेट है वेरिएबल की, जो कि 5 जो है जिसने 4 बाइट्स रिजर्व किए हुए हैं वो अपनी जगह पे स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली नीचे पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि पॉइंटर वेरिएबल के पास एक एड्रेस स्टोर है, किसका एड्रेस स्टोर है, इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। जबकि इस वेरिएबल के पास जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो हमारे पास क्या है, 5 है, जिसका डायरेक्टली इस पॉइंटर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ओके। तो सिंपल पॉइंटर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो कि एड्रेसेस को होल्ड किए हुए होते हैं उस वेरिएबल की जिसका एड्रेस हमने उस पॉइंटर को असाइन किया है, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से वैल्यूज एक्सेस होती हैं पॉइंटर्स के थ्रू। अब यहाँ पे देखें, आपके पास वही एग्जांपल है जैसे कि मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन की, सिंपल एक वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया, 5 असाइन कर दिया इस वेरिएबल को, देन इसको हमने एड्रेस असाइन कर दिया पॉइंटर को इस वेरिएबल का। उसके बाद हमने जब वैल्यू को एक्सेस करना है, मींस अब हमारे पास हो क्या रहा है कि एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि असाइन कर रहा है एड्रेस, ठीक है। एक ptr वेरिएबल है जिसमें क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल वो एड्रेस है 104, ठीक है, और 104 में क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस में वेरिएबल पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, 5 है,
ठीक है, और पॉइंटर की जो एड्रेस है वो लेट सपोज हमारे पास 100 है, 100 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास मेमोरी में इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है जो कि वेरिएबल्स की वैल्यूज को जिसने स्टोर किया हुआ है। अब हमने करना ये है कि हमने पॉइंटर के थ्रू, मैंने कहा पहले भी कि पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इस वेरिएबल की वैल्यू को, बट अब हमने अगर एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। हम ये करते हैं कि जो पॉइंटर वेरिएबल हमने रखा हुआ था उससे पहले हमने एक सिंबल लगा दिया स्टार, ठीक है। अब जब हमने स्टार लगा दिया सी आउट करवाते हुए, दैट मीन्स कि हमारे पास अब कौन सी वैल्यू एक्सेस हो रही है, वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस हो रही है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास जो आउटपुट आ रही होगी वो 5 आ रही होगी, ठीक है, जो कि किसकी वैल्यू थी, वेरिएबल की अपनी वैल्यू थी, ठीक है। तो सिंपली अगर हम पॉइंट वेरिएबल लिखते हैं विदाउट स्टार तो कौन सी वैल्यू आएगी, पॉइंटर की अपनी वैल्यू आएगी जो कि एड्रेस होगा इस वेरिएबल का जिसको हमने असाइन किया था। बट जिस टाइम पे हम स्टार के साथ प्रिंट करवाएंगे तो पॉइंटर के पास जिसका एड्रेस पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू आएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास अब हम क्या किसको एक्सेस कर रहे हैं, 5 को एक्सेस कर रहे हैं, तो आउटपुट में हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम पॉइंटर्स को यूज करते हुए जो डायरेक्ट वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की जिसका एड्रेस हमने पॉइंटर को असाइन किया है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो आपने क्या चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि व्हेन स्टार इज यूज्ड विद पॉइंटर्स इट्स कॉल्ड द डी रेफरेंस ऑपरेटर। जब भी आपने स्टार को यूज करते हुए वैल्यू को प्रिंट करवाया उसकी जिसका एड्रेस आपने पॉइंटर को दिया हुआ है तो आप इसको कहते हैं कि आपने डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया। इट ऑपरेट्स एन अ पॉइंटर एंड गिव्स द वैल्यू पॉइंटेड बाय द एड्रेस स्टोर्ड इन द पॉइंटर। दैट इज कि हमने क्या किया था कि जैसे ही स्टार को यूज किया कि तो उस वक्त जिस वेरिएबल का हमने एड्रेस उस पॉइंटर में स्टोर करवाया था उसकी वैल्यू उसके थ्रू हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। पॉइंट वेरिएबल एंड स्टार पॉइंट वेरिएबल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वी कैन नॉट डू समथिंग लाइक। अच्छा, अब आपको ऊपर नजर आ रहा होगा कि हमने स्टार जिस टाइम पे लगाया तो उस टाइम पे हमने क्या किया हुआ है, इज इक्वल टू वी ए आर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तक हम जो करते आ रहे थे वो हम ये कर रहे थे कि पॉइंट वेरिएबल अगर हमारे पास है तो उसको हम असाइन करते थे एंड के साथ वी ए आर। दैट मीन्स इस लाइन में क्या हो रहा था कि हमारे पास जो वी ए आर वेरिएबल का एड्रेस था वो सेव हो रहा था पॉइंट वी ए आर, मतलब पॉइंटर के पास, ठीक है। और ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया हुआ था इंट टाइप का पॉइंटर, पॉइंट वी ए आर, ओके। सो इसमें हमारे पास क्या था कि हमने ये जो है वेरिएबल पॉइंटर टाइप का डिक्लेयर कर दिया और उसमें हमने एड्रेस दे दिया, ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह सेकंड हमने मेथड देखा कि हमने, जैसे कि आपको इस एग्जांपल में नजर आ रहा है कि हम ये कर सकते हैं कि सिंपली अगर हम स्टार पॉइंट वी ए आर इज इक्वल टू करेंगे तो हमने सिंपल वेरिएबल लिखना है, हमने इसके साथ एम परसेंट यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब हम एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, किस वैल्यू को, उस वैल्यू को जिसमें हमने जिसका एड्रेस दिया हुआ था पॉइंटर को ऑलरेडी जिस वेरिएबल का, ठीक है। अब हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रही है, मीन्स 5 को पॉइंट कर रही है। वेरिएबल के पास भी 5 स्टोर है और स्टार पॉइंट वी ए आर के थ्रू जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो भी वैल्यू पॉइंट जो है किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को ही पॉइंट करेगा, ठीक है, उसी को एक्सेस करेगा। बट ये जो लास्ट लाइन आपको नजर आ रही है कि स्टार पॉइंट वी ए आर करके इज इक्वल टू एम परसेंट कर दें, तो ये चीज बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। हम या तो ये काम कर सकते हैं कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया, उसको एड्रेस असाइन कर दिया, या फिर जब हम डी रेफरेंस ऑपरेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमने एम परसेंट यूज नहीं करना, हमने एड्रेस नहीं देना, बल्कि हमने डायरेक्ट वैल्यू उसमें कॉपी कर दिया, या दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही वैल्यू को अब क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं दो जिसके थ्रू हम पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं। सो वैल्यू किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं पॉइंटर्स के थ्रू, यहाँ पे आपको नजर आ रही है सिंपल वही एग्जांपल थ्रू आउट मैंने यूज की हुई है। वेरिएबल इज इक्वल टू हमने 5 किया, पॉइंटर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमने वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया। अब मैंने ये काम किया कि मैंने पॉइंट वेरिएबल को स्टार के साथ यूज किया और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं एम परसेंट यूज नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि अब डी रेफरेंस ऑपरेटर के तौर पे मैं इसको
यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी 1, दैट मीन्स कि ये अब किसको एक्सेस कर रहा होगा। अब मेमोरी में हम एज्यूम कर लेते हैं कि किस तरह से मेमोरी में बॉक्सेस बने हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास हो क्या रहा है। सबसे पहले जब हमने वेरिएबल इज इक्वल टू 5 किया, दैट मीन्स एक वेरिएबल बना मेमोरी के अंदर, ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या स्टोर हो गया, 5, और लेट सपोज इसका एड्रेस था 100, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल लिया और उसको हमने एंड VAR मतलब वेरिएबल का एड्रेस दिया, तो इसमें क्या हुआ होगा कि 100 हमारे पास पॉइंटर के पास स्टोर हो गया, जो कि एड्रेस था VAR का। ये हमारे पास पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन गया, ठीक है, और इसका अपना एड्रेस लेट सपोज क्या होगा, 105 हो गया, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम, जो कि एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। ओके, उसके बाद हमने ये किया कि हम डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरह पॉइंट वेरिएबल इज इक्वल टू 1 जिस टाइम पे असाइन करेंगे, तो हमने कहा कि स्टार जब भी हम यूज करके पॉइंटर वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू असाइन करते हैं, दैट मीन्स कि ये किसको डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है, ये उस वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस हमने पॉइंटर में स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर 5 था तो अब क्या हो जाएगा, 5 को ओवरराइड करके यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस टाइम पे मैंने सी आउट करवाया VAR की वैल्यू को, अब हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब है कि पॉइंटर्स के थ्रू हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ओवरराइड करवा सकते हैं, जब हम उसको एज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरह यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर VAR की वैल्यू भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, या मैं स्टार पॉइंट VAR की वैल्यू मीन्स पॉइंटर की वैल्यू स्टार के साथ प्रिंट करवाऊंगी, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में हमेशा 1 आएगा, ओके। तो इस तरह से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं पॉइंटर्स को यूज करते हुए, ओके। कॉमन मिस्टेक्स कुछ होती हैं जो कि हम पॉइंटर्स को यूज करते हुए करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, सिंपली हमने क्या किया है, पहली लाइन में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया विद स्टार। अच्छा, अक्सर अगर हम ये करें कि वेरिएबल जो हमने पॉइंटर का लिया हुआ था उसको हम डायरेक्टली असाइन कर दें वेरिएबल VAR, ये नहीं कर सकते हम, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है या कंपाइलर को पता है कि ये हमारे पास एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो कि ऑलवेज किसको होल्ड करेगा, एड्रेस को होल्ड करेगा, तो इसके साथ हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड जो मोस्टली यूज किया जाता है जो कि गलत है, रॉन्ग है, उसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमने स्टार यूज किया हुआ है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हम किसको दे रहे हैं, एड्रेस को दे रहे हैं, जबकि पॉइंट हम किसको कर रहे हैं, उस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू और के साथ हम उसका एड्रेस इसको असाइन करना चाहते हैं पॉइंटर टाइप वेरिएबल को, ठीक है। तो हम डायरेक्टली एड्रेस असाइन नहीं कर सकते जब हम डी रेफरेंस ऑपरेटर के तौर पे इस पॉइंटर को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके। करेक्ट वे हमारे पास क्या है कि या तो हम अगर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जब हमने ऊपर ले लिया है तो उसमें हमेशा हम वेरिएबल का एड्रेस ही कॉपी करवाएंगे, ठीक है, या अदर करेक्ट वे क्या है हमारे पास कि अगर हमने स्टार और डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज कर लिया है तो हम डायरेक्टली इसमें वेरिएबल की वैल्यू जो है कॉपी करवा सकते हैं, हम एड्रेस कॉपी नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर हम कर देते हैं और हमें नहीं पता चलता, तो ये पॉइंटर्स को यूज करते हुए आपने याद रखना है कि करेक्ट वे कौन से हैं, किन वेज में आप पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं, ओके। पॉइंटर्स और एरेस किस तरह से यूज होती हैं, पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स दैट होल्ड एड्रेसेस ऑफ अदर वेरिएबल्स, ओके। नॉट ओनली कैन अ पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, इट कैन ऑल्सो स्टोर द एड्रेस ऑफ सेल्स ऑफ एन एरे, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, पॉइंटर्स में हम सिर्फ एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, बट अगर हम यूज करना चाहते हैं एरे को पॉइंटर्स के साथ, तो हम इजीली एरेस के एलिमेंट्स में पॉइंटर्स के थ्रू ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, हमने एक पॉइंटर टाइप का सिंपल वेरिएबल लिया, उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप की एरे ली जिसका साइज हमने रख दिया 5। अब हमने क्या करना है, सिंपली अगर हम आपको याद हो, हमने जब एरेस को फंक्शंस में पास किया था तो हमने देखा था कि हम सिर्फ और सिर्फ एरे का नेम पास करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक और जो है लेक्चर दिया था जिसमें हमने
एरे को रिटर्न करवाया था, ठीक है, पॉइंटर्स को यूज करते हुए, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ एरे का नेम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। नेम यूज करने का मतलब ये है कि एरेज में हमें पता है बॉक्सेस बने हुए होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने एरे का साइज 5 रखा तो मेमोरी में क्या हुआ होगा, 5 सेल्स बन गए होंगे, ठीक है। एक का जो इंडेक्स है 0 होगा, दूसरे का 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, उसके बाद हमारे पास 4 होगा। दैट मीन्स के 5 साइज था तो 5 सेल्स बन गए। अब जब हमने पॉइंटर को असाइन किया डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एरे के वेरिएबल का नेम, दैट मीन्स के पॉइंटर अब किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर अब पॉइंट करेगा एरे के बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू को, और बिल्कुल स्टार्टिंग का जो उसका एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का, उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये कह सकते हैं हम कि जीरो इंडेक्स से हमें पता है कि अरे जो है स्टार्ट हो रही होती है, तो जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट है जीरो, उसका एड्रेस किसके पास अब स्टोर हो गया है, पीटीआर के पास। फॉर एग्जांपल, ये इंडेक्स हमारे पास जीरो है तो जरूरी नहीं है इसका हमारे पास एड्रेस जीरो ही हो, बल्कि इसका एड्रेस कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। लेट्स सपोज को मैं कहती हूँ कि इसका एड्रेस 100 है, तो अब पीटीआर के पास क्या पड़ा हुआ होगा, पीटीआर मेमोरी में कहीं पे भी पड़ा हुआ होगा, और उसके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 होगी, ठीक है। दैट मींस कि मैं अब इजीली इस एड्रेस के थ्रू आगे जा सकती हूँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के उसमें मैं ट्रेवर्स कर सकती हूँ थ्रू पॉइंटर्स, ठीक हो गया। सो हियर पॉइंटर इज अ पॉइंटर वेरिएबल व्हाइल एरे इज एन इंटीजर एरे। आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जिसके पहले हमने क्या कर दिया, स्टार यूज कर दिया, दैट मीन्स कि एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। उसके बाद हमने एक एरे ले ली, एरे हमने 5 साइज की ले ली, ठीक है। द कोड ptr इज इक्वल टू एरे स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इन वेरिएबल ptr। अगर हम ये काम करें कि ptr इज इक्वल टू एरे लिख दें, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का, उसका एड्रेस कॉपी हो जाता है ptr के पास, उसके पास जो एज अ वैल्यू आ जाती है वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, ओके। नोटिस दैट वी हैव यूज्ड एरे इंस्टेड ऑफ and array of zero. This is because both are the same. So the code below is the same as the code above. अच्छा, अगर हम ये काम भी करें कि हमने जैसे कि पहले देखा कि pointer को जब भी हम किसी variable की value assign कर रहे होते हैं, उसके address को point करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं ptr is equal to ampersand that variable name. Okay? बट यहाँ पे हमारे पास एरे है, तो हमने सिंपली ये किया ptr इज इक्वल टू एरे, हम ये काम भी कर सकते हैं, और हमने कहा कि ptr के पास जो फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू होती है या एलिमेंट होता है उसका एड्रेस जाता है, तो हम जैसे पहले वेरिएबल्स के लिए करते आए थे, हम ये भी कर सकते हैं एरे ऑफ जीरो। हमें पता है कि हमेशा एरे का इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो हम सिंपली ये काम भी कर सकते हैं कि हम एंड के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो असाइन कर दें पीटीआर को, ठीक है। तो ये काम भी बिल्कुल ठीक है, और अगर आप ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। होगा दोनों में यही कि जो भी हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की जो एलिमेंट का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है और इसका एड्रेस 100 है, तो ये 100 किसके पास आ जाएगा, दोनों केसेस में पीटीआर के पास एज अ वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ओके। सो आगे देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रैवर्स करते हैं एरेज में। यहाँ पे देखें, सपोज वी नीड टू पॉइंट टू द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे यूजिंग द सेम पॉइंटर ptr। अगर हमने ये करना है कि हमने एरे के फोर्थ एलिमेंट को पॉइंट करना है, एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंटर नेम ptr यूज हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने ptr से पहले स्टार यूज किया, दैट मीन्स के पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो गया। उसके बाद हमने उसी तरह से एरे ले ली 5 साइज की, ठीक है। Here, if ptr points to the first element in the above example, then ptr plus 3 will point to the fourth element. ठीक है? जैसे कि हमने कहा था previous slide में कि अगर हमारे पास simply हम ये काम करते हैं कि ptr is equal to array कर देते हैं, that means कि ptr किसको point कर रहा है? जो भी हमारे पास array के 5 boxes हैं, उसका जो first element है, जिसका index क्या है? 0 है, इसका मतलब है ptr अब इसको point करने लगा है, ठीक है। और हमें पता है कि हमने साइज 5 रखा हुआ है, दैट मींस कि हमारे पास टोटल बॉक्सेस और सेल्स कितने बने हुए होंगे, टोटल 5 बने हुए हैं, ठीक है। और ये जीरो से वैल्यूज जा रही हैं कहाँ तक,
4 तक जा रही है इंडेक्स की वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का एड्रेस है वो 10 है, नेक्स्ट का हमारे पास क्या होगा, अब हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि नेक्स्ट का एड्रेस डिपेंड कर रहा होता है जिस टाइप की डेटा टाइप की हमने एरे यूज की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंटीजर टाइप की एरे यूज की हुई है तो 4 बाइट्स ले रहा होता है, तो नेक्स्ट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 14 से, ठीक है। देन हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस 4 होगा तो नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम जो सेकेंड एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ होता है, तो इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं PTR प्लस 1 करके, ठीक है, वहां पे उसके एड्रेस को एक्सेस कर सकते इस वाले एलिमेंट को। उसका एड्रेस किसके पास होगा, PTR प्लस 2 के पास होगा, फोर्थ का PTR प्लस 3 और PTR प्लस 4 फिफ्थ वाले एलिमेंट के एड्रेस को जो है एक्सेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल PTR किसको एक्सेस कर रहा होता है, सिंपल फर्स्ट एलिमेंट जो भी होता है एरे का उसको। तो प्लस 1 करते जाएंगे तो वो हमारे पास क्या करता जाएगा, एड्रेसेस आगे मूव होते जाएंगे, ठीक हो गया। बट ये बात हमने याद रखनी है कि हमारे पास जो भी डेटा टाइप होगी उसके अकॉर्डिंग बाइट्स हमारे पास चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। अगर इंटीजर है तो प्लस 4 बाइट्स होती हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर होगा तो कितनी बाइट्स होती हैं, 1 का हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा होता है कैरेक्टर के लिए, ओके। तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट करके जो है एरेस के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। Similarly, we can access the elements using the single pointer. For example, अगर हम dereference operator को use करते हुए कर रहे हैं, first method हमने simple देखा जिसमें हम directly access नहीं कर रहे values को, but अगर हम elements को access करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, dereference operator use कर लेते हैं, जो कि किसके equal है, इसके इक्वल है। दैट मींस कि सिंपल PTR के साथ अगर हमने स्टार लगा दिया, सिंपल PTR का काम क्या था कि वो हमारे पास एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा था। फर्स्ट एलिमेंट किस पे पड़ा होता है, एरे ऑफ 0 पे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया दैट मींस कि अब वो उसकी वैल्यू को मींस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 पे हमारे पास पड़ा हुआ था 4, अब स्टार PTR किसको एक्सेस कर रहा है, 4 को एक्सेस कर रहा है, एड्रेस को नहीं कर रहा है। दैट मींस कि हमने यहाँ पे स्टार यूज किया हुआ है जो कि डी रेफरेंस ऑपरेटर है, उसके थ्रू हमने वैल्यू को एक्सेस किया, ठीक है। अब मैं प्लस 1 करूंगी दैट मींस कि वो अब एरे ऑफ 1 को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। प्लस 2 करूंगी तो वो हमारे पास थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, प्लस 3 करूंगी तो वो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, इसी तरह से अगर प्लस 4 करूंगी तो ये हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस कर रहा होगा, ओके। तो ये सिंपली हमारे पास मेथड्स हैं। पहले हमने देखा कि किस तरह से हम एड्रेसेस में ट्रैवर्स कर सकते हैं, अब हमने देखा कि किस तरह से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए, ओके। अगर हमारे पास PTR इक्वल टू एरे ऑफ 2 है, मींस हमने जो है थर्ड एलिमेंट को जो है उसको एक्सेस किया और एम पर्सन के साथ जब हमने इसको असाइन किया, दैट मींस कि जो थर्ड एलिमेंट है एरे का उसका एड्रेस PTR को असाइन कर दिया, ठीक है। तो एरे हमारे पास कितने साइज की है, 5 साइज की है। पहले भी हम देख चुके हैं कि जब भी 5 साइज की होगी, इंडेक्सेस हमारे पास हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो हमारे पास कहाँ तक जा रहे होंगे, पहले का इंडेक्स 0 होगा, सेकेंड का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा, ठीक है। तो जब 2 को हम कर रहे हैं एड्रेस को, तो इसका मतलब पॉइंटर हमारा यहाँ पे मौजूद है। अगर हमने एक्सेस करना है प्रीवियस वैल्यूज को, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम करेंगे PTR माइनस 2, इसी तरह अगर हमने सेकंड को एक्सेस करना है तो हम करेंगे PTR माइनस 1, इसी तरह अगर हमने आगे जो है वैल्यूज को एक्सेस करना है तो हम PTR प्लस 1 कर देंगे, इसी तरह अगर हमने जो है फोर्थ मींस फोर इंडेक्स मींस फिफ्थ वैल्यूज को एक्सेस करना है तो फिफ्थ वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम PTR प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हमने प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है या माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 करना है अगर हमने प्रीवियस एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। बट जब हम बात करेंगे एड्रेसेस की, तो एड्रेसेस का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से चेंज हो रहे होंगे एड्रेसेस, हमने इसका ख्याल पॉइंटर्स में नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0 का जो है एड्रेस होगा 100, ठीक है, तो नेक्स्ट का एड्रेस हमारे पास क्या होगा 104, उससे नेक्स्ट का क्या होगा 108, उससे नेक्स्ट का क्या होगा 112,
ठीक है, उससे नेक्स्ट का क्या होगा 116, ठीक है। इसका जो कंसर्न है वो पॉइंटर से नहीं है, जब हमने पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है तो हम सिंपली पॉइंटर प्लस 4 नहीं करेंगे, बाइट्स हम खुद से नहीं काउंट करेंगे, वो कंपाइलर का काम है एड्रेसेस को लोकेट करना कि किस तरह से हमारे पास एड्रेसेस आगे जो है इंक्रीमेंट हो रहे हैं या डिक्रीमेंट हो रहे हैं। हमने डायरेक्टली बस अपने जो है इंडेक्सेस का ख्याल रखना है कि कितने इंडेक्सेस हमने आगे मूव करना है या कितने इंडेक्सेस हमने बैकवर्ड जाना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लस वन प्लस टू कर रहे हैं या माइनस वन माइनस टू करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में सिंपल हमारे पास क्या है कि अगर हमने PTR इज इक्वल टू एरे किया तो वो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड ऑफ एरे जीरो, PTR प्लस वन का मतलब है कि हम अब सेकंड एलिमेंट पे आ गए हैं जो कि इंडेक्स वन पे पड़ा हुआ होता है। PTR प्लस टू का मतलब यही है कि हम थर्ड एलिमेंट पे आ गए हैं जो कि एंड एरे ऑफ टू भी जिसे कह सकते हैं, ठीक है। एंड एरे ऑफ थ्री मतलब जो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है उसके इंडेक्स का एड्रेस है, इसी तरह जो फिफ्थ है उसका जो एड्रेस है वो एंड करके हम इस तरह से एरे ऑफ फोर लिख सकते हैं, या PTR प्लस फोर अगर हमने पॉइंटर के थ्रू जो है करना है एक्सेस तो हम PTR प्लस फोर करके इस एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल पिक्चर है जो कि क्लियर कर रही है किस तरह से मेमोरी में पॉइंटर जो है एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा होता है एरे के, ओके। क्या याद रखना है आपने, द एड्रेस बिटवीन PTR एंड PTR प्लस वन डिफर्स बाय 4 बाइट्स, इट इज बिकॉज PTR इज अ पॉइंटर टू एन इंट डेटा एंड द साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट्स इन अ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको जो बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी कि वो ये है कि आपने पॉइंटर के थ्रू जब एक्सेस करना है एरेस के एलिमेंट्स को तो आपने सिंपली प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री करके इंडेक्सेस की तरह जैसे हम करते हैं कि ये एलिमेंट नंबर वन है तो इसका हमने प्लस वन करना है, ये एलिमेंट नंबर टू है तो हमने ये इसमें कितने पॉइंटर्स में इंक्रीमेंट करने हैं, अगर हमने लास्ट एलिमेंट को करना है फिफ्थ एलिमेंट को तो PTR प्लस फोर करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने जो ख्याल रखना है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट नंबर का रखना है, ठीक है, इंडेक्स का रखना है, जबकि डेटा टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसके जो एड्रेस है उसमें कितना इंक्रीज आएगा या कितना डिक्रीज आएगा वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। तो इंटीजर की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है वो 4 बाइट्स रिजर्व कर रहा होता है, तो हर PTR प्लस वन पे आपके पास 4 बाइट्स इंक्रीज हो रहे होंगे, ओके। सिमिलरली इफ पॉइंटर PTR इज पॉइंटिंग टू कैरेक्टर टाइप डेटा देन द एड्रेस बिटवीन PTR एंड PTR प्लस वन इज 1 बाइट, इट इज बिकॉज द साइज ऑफ अ कैरेक्टर इज 1 बाइट। सेम हमारे पास वही बात हो रही है कि अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप की एरे है और उसमें हमने 3 कैरेक्टर्स स्टोर करवाए हैं और उसका साइज 3 रखा है तो 0, 1, 2 हमारे पास इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट का हमारे पास एड्रेस है 100 तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट का जो एड्रेस होगा वो कहाँ से होगा, 101 से होगा, उससे नेक्स्ट का 102 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर ले ही एक ही बाइट जो है रिजर्व कर रहा होता है, तो इसीलिए जो हमारे पास इंक्रीमेंट आ रहा होगा वो एड्रेसेस में 1 बाइट का आएगा, ओके। तो ये सिंपल सी बात है जो कि आपने याद रखनी है पॉइंटर्स को यूज करते हुए। एक और चीज क्या है कि हमारे पास जो है किस तरह से एरे नेम्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं पॉइंटर्स में, उसका रीजन ये है कि दैट्स द रीजन व्हाई वी कैन यूज पॉइंटर्स टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एरेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अगर एरेस को विदाउट पॉइंटर्स आपने यूज करना है उसकी वैल्यू को, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपने सिंपली स्टार लगाया, अभी हमने क्या किया था पॉइंटर को यूज किया था, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एरे प्लस आई कर रहे हैं और आई हमारे पास क्या होगा लूप में यूज हो रहा होगा, 0 से लेके 4 तक जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारे पास एरे प्लस 0 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास एरे प्लस 1 होगा, देन एरे प्लस 2 होगा, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे बल्कि हम एरे का जो हमने नेम रखा हुआ था जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स में करते आए हैं कि हमने इंटीजर टाइप की एरे ली और एरे का साइज 5 रखा, हम डायरेक्टली एरे के नेम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि एरे नेम्स जो हैं अक्सर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉइंटर्स में, कि हम डायरेक्टली उसको एज अ पॉइंटर यूज कर सकते हैं और यही रीजन है कि हम पॉइंटर्स को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं एरेस के एलिमेंट्स को, मतलब दोनों को हम यूज कर सकते हैं
एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, मीन्स एरेज के नेम को पॉइंटर्स की तरह यूज कर सकते हैं, और पॉइंटर्स को हम एरेज को एक्सेस करने के लिए उसके एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं. ओके, सो ये सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हमने पॉइंटर्स के बगैर एरेज के एलिमेंट्स को यूज किया है विद स्टार. और इसी तरह से हम अगर सी इन करवाते हैं सिंपली एरे को तो वो भी ठीक है कि हमने एरे का नाम लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, और आई हमारे पास लूप का आइटरेटर होगा जो कि 0 से लेकर 4 तक जाएगा और हमारे पास वैल्यूज इनपुट होती जाएंगी. ठीक है, ये भी आपके पास मेथड बिल्कुल ठीक है जो कि हम पहले यूज करते आए हैं पॉइंटर्स से पहले, और ये वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक है जिसमें आपने एरेज को एज अ पॉइंटर यूज किया हुआ है एरे के नेम को. ठीक है, या आप इसकी जगह सिंपली पॉइंटर भी यूज कर सकती हैं. ओके, सो ये सिंपल सी एग्जांपल्स थी जो हमने देखी कि हम पॉइंटर्स को किस तरह से एक्सेस करवा सकते हैं एरेज के एलिमेंट्स को. उससे पहले हमने सिंपल पॉइंटर्स को वेरिएबल्स के साथ देखा. अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे इंप्लीमेंट करके डिफरेंट एग्जांपल्स और रिजल्ट प्रिंट करवा के देखेंगे कि किस तरह से वैल्यूज प्रिंट होकर आती हैं पॉइंटर्स को यूज करते हुए, और किस तरह से पॉइंटर्स के थ्रू हम एरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं.